सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या, कितनी होती हैं। तो ध्यान रखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है जबकि एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो या कॉन्स्टेंट हो। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके का मोशन करती है कि उसकी यूनिफॉर्म जो है वो उसकी जो उसके एक्सेलरेशन है वो उसकी जर्नी में क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, तब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती कितनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ओके, नाउ इन दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन वी इज अ फाइनल वेलोसिटी, यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी, ए इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड टी इज अ टाइम इंटरवेल एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवेल टी। ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो लेक्चर ऑन अवर यूट्यूब चैनल इन विच आई एक्सप्लेन एंड डिराइव्ड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसका जो डेरिवेशन है इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकली भी और एनालिटिकल दोनों तरह से इसका डिराइव किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन और स्टडी करनी है जिसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि भाई डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको लिखते हैं एस एन फिजिकल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन विच गिव्स यू द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कंडीशन ध्यान रखना, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है तब जबकि द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाकी तीनों तो आपने ड्राइव कर रखे हैं, वन टू एंड थ्री, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो आपने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं, आपको मालूम भी है कैसे डिराइव करते हैं। नाउ हियर फर्स्ट वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस एंथ का क्या मतलब होता है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं अपन, देखते हैं किस तरह से डिराइव होती है ये। तो देखो, लेट अस ध्यान से देखना आप, लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ए। कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है वो। ठीक है, नाउ ही ट्रेवल अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, दिस इज हिज कंप्लीट जर्नी। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर t इज इक्वल टू एन सेकेंड। टाइम जो है उसका a से b तक जब वो जा रहा है, a टू b, देखो मोशन कैसे कर रहा है वो, a से लेके b तक कर रहा है। तो a से लेके b तक जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू एन सेकेंड। और इसमें जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एस एन। ओके, सो a से b तक, फ्रॉम ए टू बी तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है अपन ने, एस एन से। एस एन इज अ डिस्टेंस कवर। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है उसको एन सेकेंड। ध्यान रखना, एन सेकेंड लिखा हुआ है मैंने, तो एन सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एस एन कवर कर रहा है। ठीक है, मान लो इसे वन सेकेंड पीछे एक अपन पॉइंट लेते हैं सी पॉइंट, वन सेकेंड बैक। ठीक है, ये लास्ट सेकेंड हो गया इसका, C टू B इज अ लास्ट सेकेंड। तो अगर एक सेकेंड पीछे ले लिया अपन ने तो टाइम कितना होगा, अब एन माइनस वन सेकेंड होगा। समझ में आ रहा है, टाइम कितना होगा उसका, एन माइनस वन सेकेंड। ठीक है, पहले तो देखो A टू B मोशन कर रहा है, वो A टू B में जो टाइम लग रहा है उसको कितना लग रहा है, एन सेकेंड। और एन सेकेंड में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कवर कर रहा है, एस एन। ठीक है, हमें ये निकालना है कि भाई लास्ट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा लास्ट सेकेंड में, ये वन सेकेंड है। तो अगर ये बी टू सी वन सेकेंड है तो ए टू सी कितना जाएगा, एन माइनस वन सेकेंड। ठीक है, और एन माइनस वन सेकेंड में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो हो गया एस एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां तक ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया, ये बताओ आप, बोलो इसमें कुछ सर, कुछ आपको कुछ करना है।
इसमें हमें फाइंड आउट करना है डेट हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी विल कवर इन हिज लास्ट सेकेंड। ओके, हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी विल कवर इन हिज लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड मतलब ये बी टू सी वाला, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो कंप्लीट तो एस एन है, ठीक है, तो एस एन माइनस वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एस एन तो ये कंप्लीट हो गया ए टू बी, ठीक है, और ए टू सी कितना है? एस एन माइनस वन है, तो सी टू बी में कितना हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, कितनी आ जाएगी? एस एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ कि बाय इफ आई राइट डेट बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ये ऑलरेडी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें अगर एस एन निकाला जाए तो एस एन इजिकल टू कितना जाएगा? यू। ठीक है, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो ये इस पॉइंट पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू, यू मीटर पर सेकेंड। तो यू मीटर पर सेकेंड ये तो सेम ही रहेगी, यू प्लस हाफ, ठीक है, एस इजिकल टू यू टी। टी लिखोगे आप यहाँ पर, तो टी की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप ये बताओ पहले, टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? अगर मैं एस एन ले रहा हूँ तो एस एन में यू तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टी की वैल्यू कितनी आएगी? एन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाले केस में टाइम कितना आपका एन है, तो डिस्टेंस कवर कितनी आ रही है? एस एन आ रही है, तो यू टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई? एन आ गई, प्लस हाफ ए एन टी स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। तो ये था एस एन की वैल्यू आ गई, एस एन की वैल्यू किससे आ गई आपके पास? ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ऐसे ही अगर हम फाइंड आउट करना चाहें एस एन माइनस वन, तो कितना जाएगा? यू, और टी की वैल्यू एन माइनस वन, प्लस हाफ ए देन एन माइनस वन स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, यानी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपके यहाँ से। तो ये समझ में आई नहीं आई स्टेप, किससे निकाली ये स्टेप आपने? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब टाइम एन था तो डिस्टेंस कवर कितनी थी? एस एन। जब टाइम एन माइनस वन हुआ तो डिस्टेंस कवर कितनी हो गई? एस एन माइनस वन। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी, डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन एंथ सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन एंथ सेकेंड। तो एंथ सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे अपन? एस एन इजिकल टू ये आएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, तो देखो आप एस एन की वैल्यू देखो कितनी है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये वैल्यू तो हो गई आपकी एस एन की। ठीक है, देन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन देखो कितना, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये आ गया यहाँ से, माइनस देन यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए। अब एन माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि माइनस टू ए। ठीक है, अब ये पूरा ओपन कर लो आप, तो ये आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर देन माइनस, तो माइनस यू एन, ये माइनस यू एन हो गया, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस का यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देन यहाँ पर आप ओपन करो देखो, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा वाला, तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर देन माइनस हाफ ए देन प्लस हाफ ए इंटू टू एन। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यू एन टू यू एन कैंसिल हो जाएगा, देन हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा यू। ठीक है, यू प्लस यहाँ से देखो आप, यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन, एक तो ये बच रहा है आपको, ठीक है, ये वाली स्टेप है, और माइनस हाफ ए ये बच रहा है यहाँ पर, तो ये आएगा यू प्लस हाफ ए को अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये बचेगा टू एन माइनस वन, और ये आ गई एस एन। इसको बोलते हैं आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी आपसे तो फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय
फोर्थ सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इस तरीके का क्वेश्चन बोलता है। जैसे आपसे बोला कि फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, मान लो आपको दे दी कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपसे पूछा कि थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो थर्ड 3 सेकेंड नहीं कह रहा, वो कह रहा है थर्ड सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो थर्ड सेकेंड में इसे एन की वैल्यू क्या करोगे आप, 3 रख देना, और एन की वैल्यू 3 रख के सॉल्व करना, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जैसे इसका नाम है, लाइक इट्स नेम मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर मोशन। और ग्रेविटी कहाँ से आती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ। ठीक है, तो हम होता क्या है बेसिकली, वो हम पहले बताए थे आपको कि व्हेन व्हेन अ बॉडी डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर कोई भी बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर उसके इफेक्ट में मोशन कर रही है, तो उस पर कंटिन्यूसली क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें दो केस हमको स्टडी करने हैं, तो केस वन पहले देखते हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस है व्हेन व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, फर्स्ट केस जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, इसमें फर्स्ट केस इज व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। लाइक लेट अस कंसिडर दिस इज अ बॉडी, ये कोई बॉडी है और ये फ्रीली फॉल हो रही है। ठीक है, दिस बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली लाइक दिस। तो बॉडी जो नीचे फॉल हो रही है, आप में से कोई ये बता सकता है कि बॉडी नीचे आ क्यों रही है, किस फोर्स की वजह से आ रही है, बताओ, किस फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ जी लिख देता हूँ, एफ जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सही है या नहीं है, बॉडी जो है ये बॉडी यस सर, डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन कर रही है, और डाउनवर्ड यस मोशन किसकी वजह से कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना पॉइंट जो मैं आपसे आपको बताने वाला हूँ, कि दिस बॉडी इज डूइंग अ मोशन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से सुनना, बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन वी टेक एज पॉजिटिव। तो इसकी जो ये एक्सेलरेशन है इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आई बात, मैं यहाँ नोट डाउन भी कर देता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बॉडी इज मूविंग, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, सो डैट एक्सेलरेशन क्या लेंगे अपन, प्लस का जी लेंगे, सो डैट वी टेक एक्सेलरेशन एज प्लस जी। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लेंगे अपन, प्लस जी लेंगे, ध्यान रखना आप। अब हाइट हम ले लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक,
जो हाइट है वो कितनी है, एच है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस पॉइंट बी, इसकी हाइट कितनी है, एच है। नाउ अब आप ये बता सकते हो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ ए पॉइंट पे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जीरो होगी, बिकॉज आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, थ्रो नहीं कर रहे। अगर आप उसको थ्रो करते नीचे की तरफ तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती, इनिशियल वेलोसिटी, पर अभी आप उसको ओनली ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी मीटर पर सेकेंड। अब ये कंडीशन सारी लेके आपको क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी है और देखना है कि क्या फॉर्मूले आते हैं। जैसे इसके लिए हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसे आपको न्यूमेरिकल में पूछेंगे कि कोई बॉडी है उसको ड्रॉप करा 10 मीटर, उसको ड्रॉप करा, ठीक है, तो ड्रॉप करा तो आप बताओ कि जैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर एक्सेलरेशन। अच्छा ये और ध्यान रखना, आपके जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली अपन 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ पूछो। सर देखो आप, जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी तो वी है, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो आपको क्या लेनी है, प्लस जी, तो एक्सेलरेशन प्लस जी हो गया, और टाइम ले लिया हमने टी, तो टाइम है ए से लेके बी तक का, ए से बी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी तक जो टाइम लगेगा उसको आने में वो कितना हो जाएगा आपका, वी डिवाइड बाय जी। तो अगर आपको ये दे देंगे कि भाई कोई बॉडी है उसको ड्रॉप करा, और जब उसको ड्रॉप किया तो जब वो अपने यहाँ लास्ट पॉइंट पर आ गई, सरफेस पर आ गई, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना टाइम लिया उसने ये हाइट कवर करने में, तो टाइम आप इस फॉर्मूले से यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद मत करना, आप ये कंडीशन याद करना जो मैंने यहाँ सिखाई। अब जैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस क्या है इसमें, डिस्टेंस कवर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है उसकी, एच है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी जीरो है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है, प्लस जी, ठीक है, और टाइम जो है टी ले लेते हैं, टी ए बी, ए से लेके बी तक आ रहा है मान लो, या अभी कोई वेरिएबल टाइम ले लेते हैं अपन, टी ले लेते हैं ओनली, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें चलो एक इक्वेशन तो आपके पास ही आ गई, अब इस इक्वेशन में आप ध्यान दो कि इस इक्वेशन में 1/2 भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी 9.8 या 10 होती है, तो ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर 1/2 और जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का टाइम जो है साइन आ जाता है, तो एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो कि किसी बॉडी को अपने ड्रॉप करा, और ड्रॉप करा तो आपसे पूछे कि उसके सेकेंड और थर्ड सेकेंड में उसने कितनी हाइट कवर करी, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली टी की वैल्यू रख दो, ठीक है, तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो कितनी हाइट कवर करी, तो एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू आप कर सकते हो टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या करा हमने इसमें, आपसे पूछे कि भाई सेकेंड और थर्ड सेकेंड, सेकेंड में और थर्ड सेकेंड में कितना हाइट नीचे आ रहा है वो, तो टी वन की वैल्यू 2 रख देना और टी टू की वैल्यू 3 रख देना, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देना, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया है ना। और लास्ट हम रेफर करेंगे यहाँ से, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल रेफर करेंगे इनको सबको, फॉर्मूले इसको, और आपको मैं नोट्स दे दूंगा तो आप प्रिपेयर भी कर लेना। लास्ट जो है वो आपके पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, तो इसमें मान लो आपसे कहते हैं कि भाई 20 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कि 20 मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो 20 मीटर की हाइट से जब उसको ड्रॉप किया तो जब वो अपने लास्ट सरफेस पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी अक्वायर कर लेगा वो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, ये प्लस 2gh आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2gh, तो ये फॉर्मूला भी काफी यूज होता है, अभी क्वेश्चन कराएंगे हम आपको तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप, जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं,
तो ड्रॉप कर रहे तो टाइम कैसे निकालोगे, वी बाई जी से, ठीक है। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 gt² ठीक है। और इससे एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, डायरेक्टली आप ये लगा सकते हो फॉर्मूला, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको रेफर करूंगा यहाँ पे, आप देखना उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका केस 2 है, अपन बात कर रहे हैं केस 2 की, ठीक है। केस 2 है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, कोई बॉडी है उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका सेकंड केस है, दो ही केस है। अच्छा ये ध्यान रखना, दोनों केस में अपन वर्टिकली ही वो डाउनवर्ड आ रही है और वर्टिकली ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे आपने किसी बॉडी को थ्रो करा वर्टिकली इस तरीके से, ठीक है। तो हाइट इस केस में भी हम अब ये ए अपना इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, बी अपना फाइनल पॉइंट हो जाएगा, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच, जो कि अपन ने पहले ली थी। अच्छा ऊपर जब आप किसी को थ्रो करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, बताओ, बोलो बताओ भाई। अगर किसी किसी मतलब बॉडी को आपको ऊपर की तरफ थ्रो करना है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, होगी बिना इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉल आप ऊपर थ्रो करते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना, किसी वेलोसिटी से उसको थ्रो करना पड़ता है, तो यहाँ पर यस उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u m/s है। अब जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगी तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर जाके वापस नीचे आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर जब वो चली जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ। यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगी वो, और रुक के वापस नीचे आएगी, है ना। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, बताओ। जीरो 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 होगी ना बेटा, 0 m/s, जीरो वेरी गुड, 0 होगी, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, +g होगा या -g होगा। -g माइनस -0 जी होगा, माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ध्यान से समझना बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और आपकी बॉडी क्या है, उसके अपोजिट जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो इसलिए किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस जी आ जाएगा। तो बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा आप v = u+at, तो v = u+at में फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, एक्सिलरेशन माइनस जी हो गया, और टाइम हम ले रहे हैं ए से लेके बी तक का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी बॉडी को मैंने 20 m/s से थ्रो करा ऊपर की तरफ, तो कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t a b = u/g। आप इसमें वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, ठीक है। समझ सर, में आया, जी की वैल्यू, हाँ जी जी की वैल्यू ये रही, 10 m/s² या 9.8, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में एक फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि, ध्यान से देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो ए से लेके बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया, ठीक है। ए से लेके बी तक गया, पहले तो आपने यहाँ से थ्रो करा, यानी आपने एक बॉल को थ्रो करा, बॉल किसी हाइट तक गई और वापस आपके हाथ में आ गई, तो कितना टाइम लगा उसको, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया, आपने बॉल को वर्टिकली थ्रो करा ऊपर की तरफ और वापस कैच करा, तो आपने थ्रो करा और वापस कैच करा, उसमें जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये जो टाइम होता है ये सेम होता है, यानी ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उसको, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2u/g। तो ये भी ध्यान रखें, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ठीक है। समझ में आया, ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है s = ut + 1/2 at², ठीक है। यहाँ पर s की वैल्यू कितनी रखोगे आप, h, ठीक है। s की वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन, h रख देते हैं। u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ut आ जाएगा, और देन -1/2 gt² तो ये ध्यान रखना आप, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मिलेगा h = ut - 1/2 gt², ठीक है। और लास्ट में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v² = u² + 2as, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो 0 हो जाएगा,
ये यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी और हाइट कितनी है एच, तो यहाँ से यू इज इक्वल टू आपके पास आएगा अंडर रूट 2gh। यानी मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी बॉल को 20 मीटर हाइट पर थ्रो करना है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, इफ आई आस्क यू डेट आई हैव आई वॉन्ट टू थ्रो अ बॉल अप टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट तक बॉल को थ्रो करना है, तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो करूँ उसको, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, सो ये एक ही शीट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ना, अभी जितना टाइम है उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन करना है।